हाय दोस्तों, आपके अपने आईटीआई चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं 31/1/2019 को एनसीईआरटी पेंटर जनरल थ्योरी सेमेस्टर थर्ड पेपर आया था। 150 नंबर का होता है, 68 नंबर वाला पास होता है दोस्तों ये। जैसे कि देख सकते हैं मैंने सॉल्व कर दिया, एक मैंने बुक क्रिएट की है, मैं उसका लिंक इसके आई बटन में डाल दूँगा ऊपर की साइड, उसे आप देख लेना। और अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और अपना ईमेल एड्रेस डाल दूँगा, उससे पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, देखते हैं। द कॉमनली यूज सीमेंट इज द सीमेंट पेंट इज द राइट वाइट सीमेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आए हैं, ये तो मल्टीपल चॉइस हैं, बट ये क्वेश्चन नीचे के हैं जो आपने पेंटर जनरल एग्ज़ाम दिया होगा, तो क्वेश्चन कुछ टफ आए हैं। ये वो मैं आपको बताऊँगा इसकी डिटेल लास्ट में। द सॉल्वेंट यूज इज सीमेंट पेंट इज द वाटर होता है इसके अंदर। डिस्टेंपर इज यूज ऑन प्लास्टिक सरफेस नॉट एक्सिस्टेंट टू वेदर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द बेस मटेरियल फॉर द डिस्टेंपर इज चौक होता है। द लिक्विड मीडियम यूज इन ऑयल पेंट इज द लिंसिड ऑयल होता है, ये ऑयल प्रयोग किया जाता है इसका। अब दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये क्वेश्चन कोई एमसीक्यू नहीं है, इसे थ्योरिकल बेस की एक क्वेश्चन है, थ्योरी में से उठा के इनको एक तरह का एमसीक्यू वो सिलेक्ट किया गया। द एटमोसफेयर कोर्सिन इज अ पेंटेड सरफेस इज ड्यू टू, इसका आंसर है ह्यूमिडिटी, ये आंसर है। तो अलाउ द एटमोसफेयर प्रोसेस टू इंटर द स्प्रे गन कप एयर वेंट होल, एक कप होता है उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। डिवाइस दैट इज दैट वाइब्रेट ए कैन टू मिक्स इट बिफोर ओपनिंग इज द कॉल्ड एस प्रेशर पॉइंट के द्वारा होता है। दोस्तों अगर एक आध क्वेश्चन का डाउट हो उसके लिए माफी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सी साइड और बहुत से अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे कि मैंने 100% तो मेरा है कि ये सही है क्वेश्चन है, बाकी आप देख लेना। डिस्टेंस फ्रॉम द स्प्रे गन नोजल टू द बॉडी सरफेस बींग द पेंटेड कॉल्ड एज स्प्रे गन डिस्टेंस। जो मैंने दोस्तों बुक क्रिएट की है पेंटर जनरल की एमसीक्यू, वो ओनली 1400 क्वेश्चन होंगे उसमें, पूरे उसमें 1400 क्वेश्चन होंगे, प्लस में मेरे पे 500 से 600 हिंदी के क्वेश्चन होंगे। अगर आपको बुक परचेज करनी हो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो उससे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों जो जो दोस्तों देख रहे हो ये पेपर है कुछ इस प्रकार का, ये जो क्वेश्चन है ये आप देखते हैं, ये डिस्टेंस फ्रॉम द स्प्रे गन ये हम पढ़ लिया दोस्तों। डैश इज क्लीन सेफ विल बीज एंड द प्रॉपर्टी इज द वेंटिलेटेड इनक्लोज इज द पेंटेड इज द व्हीकल, इसका स्प्रे बूथ होता है। लार्ज पोर्ट एक्टेड टू द प्रेशर फीड स्प्रे गन इज, इसका तो प्रेशर पॉइंट होता है। ये इंग्लिश में है कुछ, मैं आपको हिंदी दिखाऊंगा इनकी। अब ये जो क्वेश्चन है आपने देखा शुरू में, मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा। इज स्मॉल स्प्रे गन विद द टैनी कप और होल्डिंग स्मॉल द अमाउंट ऑफ द मटेरियल दैट इज द ऑपरेटर्स लाइक द कन्वेंशनल शिफॉन गन एयर ब्रश होता है। पिगमेंट आर द यूज इंटरनल पार्ट ऑल ऑफ दीज होता है, इसका आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया आंसर दोस्तों। द बेसिक कंपोनेंट इज द स्कोफोल्डिंग इज ऑल ऑफ दीज है। पिगमेंट विच इज द डिसवर्ल्ड इज द बाइंडर इज कॉल्ड एज ड्राई, इसका आंसर होगा। कंपोजिशन ऑफ पेंट इज द प्रोवाइडिंग द हीटिंग पावर, पिगमेंट होता है उसमें पावर जाती होती है दोस्तों। इन केट विच इज द फ्लोइंग प्रोसेस इज द कोरोस्पोंडेंस टू ऑयल पेंट स्लो ड्राइंग होता है। स्प्रे पेंट इज यूज, ये क्वेश्चन तो दोस्तों हर में पूछा जाता है, फर्स्ट सेम हो, सेकेंड सेम हो, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर में पूछा जाता है। इसका मतलब है स्प्रे पेंट इज यूज टू, स्प्रे पेंट कैसे यूज करते हैं, अप्लाई पेंट विदाउट टचिंग सरफेस, बिना टच को बिना सरफेस को टच किए हुए इस पेंट को यूज़ किया जाता है। बट एक और क्वेश्चन होता है कि ब्रश पेंटिंग कैसे यूज होता है, तो उसका मतलब होता है कि ब्रश पेंट वो जो ब्रश होता है उसको हम सरफेस के द्वारा यूज करके टच करके हम यूज़ करते हैं। बट एक स्प्रे पेंटिंग है, स्प्रे जो पेंटिंग होती है वो यूज करते हैं विदाउट टचिंग सरफेस के द्वारा, दूर होता है थोड़ा सा। देखते डिस्टेंस बिटवीन द गन एंड ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग स्प्रे पेंटिंग 200 से 300 mm दूरी होनी चाहिए स्प्रे गन की। स्प्रे गन इज द डुबेकिंग कैंड इज द कंपोजिट विद द पेंट ऑफ कॉन्टमाइटेड द गन इज नावस, स्प्रे गन ऑयल होता है। पिगमेंट कैन द इस क्लासिफिकेशन इसका होता है इथर होता है, ए बी दोनों होता है, सिंथेटिक एंड नेचुरल। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज 1 kg डिस्टेंपर इज
छः लीटर होता है, एक लीटर डिस्टेंबर में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो एनिमेशन प्लेंट इज कंटेंट ऑन पॉलीथाइनिक एक्टेक, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था दोस्तों ये वाला, ऐसे देख सकते हैं हम। सब्सटेंस एक्टेट इज द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग डायर होता है। मेरी जो बुक मैंने क्रिएट की है दोस्तों उसमें से कम से इसमें से 25 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, और बाकी जो मैं ये जो बाकी नहीं आया वो क्वेश्चन मैंने उनकी थोड़ी डाल दिए, उसके बेस पे भी आ सकते हैं क्वेश्चन है। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखते हैं क्वेश्चन। ऑन द डाइनिंग फ्लेम द डिस्टेंबर इज थिंकनेस होती है। जैसे ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने सोल्व नहीं किया, मैथ का क्वेश्चन है, कुछ मेरे को डाउट था, इसलिए अगर इसका आंसर मिलता है तो मैं आपको इसके अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों, ये आप देख लेना। डैश इज द प्रिपेयर टू द एंडिंग द क्लोरिन द पिगमेंट ऑफ द सेंटिनेल वाइट वॉश, इसका होता कलर वॉश होता है। विच पेंट ऑफ यूज टू इंटीरियर वॉल्स होता है, एमिनेशन पेंट टू एमिनेशन पेंट होता है इस प्रकार का जो इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट भारी दीवारों पर किया जाता है। हाउ इन मैनी द लेयर्स इज द ऑयल पेंट इज अप्लाइड ऑन सरफेस, 3 टाइप ऑफ लेयर्स होते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं। वट पेंट इज द रिक्वेस्ट राउट सरफेस ऑफ द एप्लीकेशन, सीमेंट पेंट होता है, राउट खुद ही सतहों पर प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द बिलो एन ऑयल बेस्ड वार्निश होता है, पोलोथाइन होता है दोस्तों, देख सकते हैं। विच ऑफ द बिलो ए पिगमेंट इम्पैक्टिंग द ब्राउन कलर होता है, अल्टरनेटिव कलर होता है। बट पेंट इज फिनिश टू यूज टू फुल क्लीनिंग होता है, डुको पेंट होता है दोस्तों, डुको फिनिश होता है दोस्तों। इंग्लिश में आपको हिंदी दिखाऊंगा, इंग्लिश में करना काफ़ी अच्छा होता है, हिंदी में इसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ होती है। आप ये क्वेश्चन हिंदी करके देखना, वो उसमें अलग ही दिखेगा। मोस्ट कॉमनली यूज जो सॉल्वेंट इज ऑयल पेंट इज पेट्रोलियम होता है, जैसे देख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टेंट ऑफ द ऑयल पेंट इज द ऑल ऑफ दीज होता है, इसका आंसर है। जैसे देख सकते हैं, द गिव इज द ब्रिलियंट फिनिश, द टाइप ऑफ वार्निश यूज टू स्पीड वार्निश होता है। द पिगमेंट यूज टू पेंट इज कोरोसिन रेजिस्टेंट होता है, इसका रेड लीड होता है। सीमेंट पेंट इज यूजली कंटेन ऑल ऑफ दीज, ये सब ये 5 से 10% कलर पिगमेंट होता है, 5 से सोडियम क्लोराइड होता है, हाइड्रेटेड लाइम होता है, ऑल ऑफ दीज इसका अंदर। इन पेंट द पिगमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका अंदर ड्यूरेबिलिटी होता है इसका आंसर। रीजन इज आर यूजली इन द वार्निश होता है दोस्तों। एक आध क्वेश्चन कोई भी डाउट अगर कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि अलग साइड पे अलग क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं भी भूल चुक हो सकती है, मैं भी 100% नहीं हो सकता, बट एक मैंने जो किए हैं वो आंसर ही राइट ही हैं, जो अब तक मैंने किया राइट ही हैं। पुटी यूज ए वुडन सरफेस इज द ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर दोस्तों पुटी यूज ए वुडन सरफेस, इसमें अगर पुरेंट पुट्टी अगर दिया होता आंसर तो वो होता, बट रॉ पुट्टी, ऑयल पुट्टी, एनसी पुट्टी मैंने बहुत कोशिश किया, इसका आंसर ऑलिव डीज ही था। बट इसका मुझे डाउट है कि रॉ पुट्टी भी आंसर इसका हो सकता है, बट देख लेना दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर एक बार, क्योंकि रॉ पुट्टी जो होती है कुछ पता नहीं, और इसका देख लेना। पुट्टी इज द यूज ए वुडन सरफेस, वुडन सरफेस के लिए लकड़ी के सतह पर कौन सी पुट्टी होगी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि उसका आंसर हो वुडन पुट्टी होगी, इसका सिंपलिटी आंसर ये है। बट ये भी हो सकता है दोस्तों, ऑल ऑफ दीज भी हम कर सकते हैं, इनका प्रयोग होता है इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे। विच इज प्राइमरी यूज द वॉल सरफेस, वाटर प्रूफ होता है। स्प्रे गन इज यूज टू मशीन हैंड स्प्रेड गन होता है। डैश इज इकोनॉमिकल व्हेन द अप्लाइंग द राउट इज द इलेगल वॉल होता है, वार्निश वो ब्रश पेंटिंग होता है, इसका मैंने आंसर सॉल्व कर दिया गया है दोस्तों, देख लेना है। 2250 होता है दोस्तों, हिंदी में जैसे देख सकते हैं। पेंटर जनरल सिद्धांत सेमेस्टर 3rd का पेपर है, जो 1/1/2019 को आया था। सीमेंट पेंट के आमतौर पर डैश उपयोग किया जाता है हिंदी में दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं आप, हिंदी में लैंग्वेज काफ़ी टफ होती है। मैंने आंसर हाईलाइट कर दिए दोस्तों, जो आगे जो दोस्तों क्वेश्चन थे उसका मैं आपको बताऊँगा कैसे होता है हिंदी में दोस्तों, देख लेना आप। हिंदी में मैं ज़्यादा वो नहीं करता, पर मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन होती है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। रंग डब डैश के आवश्यक हिस्सों होते हैं, ये सभी होते हैं जैसे देख सकते हैं। आपको मैं ये भी बताऊँगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, उसका भी आपको मैं डिटेलिंग के साथ बताऊँगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें आप। इसका जो आंसर है दोस्तों, 1 लीटर डिस्टेंबर में 6/4 भी यूज़ कर सकते हैं, हम 6 भी यूज़ करते हैं, बट इसके अंदर 6 लीटर में यूज़ करते हैं, इसका एक एक्चुअलिटी ये है 6 लीटर होना चाहिए।
जो मैंने बुक क्रिएट की है दोस्तों, उसमें से 22-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों इसमें से। दोस्तों आप क्रिएट करना चाहो तो मुझसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आंसर किया नहीं दोस्तों, कन्फर्मेशन नहीं होता मुझे इसका, इसलिए आप देख लेना मैथ का ये। दोस्तों जो मैंने बुक क्रिएट की है वो काफ़ी उसमें से क्वेश्चन आए हैं और आप आसानी से पास हो सकते हो अगर आपके 25 क्वेश्चन सही हैं तो। और मैंने 200 क्वेश्चन ऐसे अपनी बुक में डाल रखे हैं, जो कोई भी क्वेश्चन बाहर से आता है वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, आपको बता दूं दोस्तों ये जो पेपर है ये बिल्डिंग मटेरियल्स में से इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स में से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों इसका मतलब यह है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो दोस्तों आप देख रहे हो, ये 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसका आंसर देखो ए ए ए ए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि पेपर कभी भी दो तरीके से पेपर आता है, एक तो सिंपल होगा दूसरा हार्ड होगा, तो बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं होता दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल होगा तो दोस्तों उसका आंसर आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए उस बहुतों का आंसर ए ए डाल देंगे वो, कोई भी डी डी डाल देंगे, लगातार ही से हो सकता है दोस्तों। अगर पेपर हार्ड है तो पेपर कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता, पर पेपर सिंपल होगा तो कन्फ्यूज़ करने के लिए वो जो होता है एग्जामिनेशन होता है वो आंसरों को एक साइड से डाल देता है, जैसे ए ए। अब इसमें से कोई बच्चा आपके साथ बैठा हो आपसे पूछेगा तो वो आपसे कहेगा कि आंसर क्या है इसका, तो आपको वो ए है तो वो भी कहेगा भाई गलत बता रहा है क्या। इसलिए दोस्तों पेपर दो ही तरीके से होता है, एक हार्ड एंड सिंपल होता है, बीच का कोई पेपर नहीं होता। मैं बता रहा हूँ कन्फ्यूज़ करने के लिए वो आंसर में आपको डिफेक्टिव डाल देंगे। तो ये पेंटर जनरल का पेपर था सेमेस्टर 3rd का, तो जो मैंने बुक क्रिएट की है उसमें से 25 क्वेश्चन इसमें आए हैं। अगर आप परचेस करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने सॉल्व भी कर लेते हैं पूरे। और कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज एक आध क्वेश्चन गलती हो जाती है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों मैं। ये पेंटर जनरल का पेपर था और मैं बता दूँ आगे जो पेंटर के बाद जो आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए दोस्तों, कौन सा कोर्स करना चाहिए उसके भी आपको मैं डाल एक वीडियो में अपनी लाऊँगा। एक हाई लेवल का कोर्स है दोस्तों, मैं उसकी भी डिटेलिंग आपको अगली मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी कि हमें क्या करना है, डिप्लोमा चलने हमें करना चाहिए, बीटेक करना चाहिए, कौन सी लाइन से करना चाहिए। ये तो पेंटर है दोस्तों, डिप्लोमा में कोई पेंटर नहीं है, ट्रेड नहीं है, एक केमिकल है बट उसके थ्रू केमिकल थोड़ी अलग एक ट्रेड है। और मैं आपको एक वीडियो अच्छी बना के दिखाऊंगा, उससे आप आगे के कोर्स के लिए आप प्रैक्टिस और भी आगे आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, या पेंट की लाइन में आप टेक्नीशियन आप मतलब बन सकते हो। मैं उस लेवल की एक वीडियो लाऊँगा उससे आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी। जो मैंने बुक क्रिएट की है वो गवर्नमेंट ऑल इंडिया लेवल के उसमें क्वेश्चन हैं, उसमें उस बुक में पूरे मतलब कि ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन होंगे, प्लस में आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्पेशल है मेरी बुक। और मैं आपको बता दूं उसमें 1400 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 1400 उसमें क्वेश्चन होंगे, प्लस में आपको 400 हिंदी में मेरे होंगे क्वेश्चन होंगे, वो भी मैं आपको दूंगा। 1st to 4th सेमेस्टर होंगे, पेपर सेट होगा मेरे पे, वो भी मैं आपको दूंगा। ये दोस्तों सिर्फ हेल्प है और कुछ नहीं है, कोई पैसे कमाया नहीं जा रहा। आप जानते हो कि बुकों में से कुछ नहीं आता पेंटर की, ये एक तरीके से मैं एक बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देते हैं, बच्चे रह जाते हैं उनके लिए दोस्तों ये। अगर कोई सर भी हैं अगर ITI से हैं वो तो मुझसे वही बुक ले सकते हैं, उनके लिए भी मैं उनको दे दूँगा। मैं स्पीच पोस्ट करता हूँ दोस्तों सबों को, स्पीच पोस्ट का नंबर आपको मिल जाएगा, प्लस मैं आप उससे ट्रैक करके देखते रहना कहाँ बुक आ रही है, प्लस जो पेमेंट होगी दोस्तों वो ऑनलाइन होगी, आप मुझे कर सकते हो। अदरवाइज आप तो बहुत अदर स्टेट को मुझे आने में दिक्कत होगी, हैंड टू हैंड तो बुक मिल नहीं सकती दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप। ये पेपर है पेंटर जनरल थ्योरी का पेपर। प्लीज़ वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ ITI से ही। तो आप कोई सी भी ट्रेड से हैं तो मुझे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए मैं आगे मैं अच्छे से ट्रेडों के लिए मैं वीडियो डालूँगा, बनाऊँगा क्वेश्चन जैसे कि आप जानते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।